और आप देख रहे हैं फाइव स्टार फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल। मैं अनंत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज स्टेटस को लाइव दिखाऊंगा। पहले वीडियो में दिखा चुका हूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं दूसरी वीडियो में लेकर आया हूं। 100% आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्क्रिप्ट ना करिएगा। स्क्रिप्ट कर दीजिएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे और फिर दिक्कत आ जाएगी। तो आपको वेबसाइट पर ले चलता हूँ, वहीं से आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, आप लाइव देख सकते हैं। स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे आप, यहाँ लिखा हुआ सरकारी रिटर्न डॉट कॉम की वेबसाइट है, वहीं पे आप इस कार्ड यहाँ पे चेक क्लिप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और आपकी जो वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी। छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश ये सब पूरा आ गया है। आप यहीं पे स्टूडेंट पे लॉगिन क्लिक करेंगे और यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे आपको। तो फ्रेश हैं तो फ्रेश पे करेंगे, रिन्यूअल है तो रिन्यूअल पर लॉगिन करेंगे। रिन्यूअल वाले जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वाले हैं उनके उनके लिए है, और फ्रेश वाले पर क्लिक करना है हमको। फ्रेश वाले पर क्लिक करेंगे तो फ्रेश वाले पर कई चार ऑप्शन आते हैं, लेकिन हमको लास्ट वाला चूज करना, जिस जो जिसका हो वो उस पर क्लिक करेगा। ठीक है, यहीं से स्टेटस चेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपका ये सब मांगेगा कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे, जन्मतिथि मांगेगा, अपना पासवर्ड मांगेगा, कैप्चर और फिर ये सब मांगेगा। तो यहाँ पे आप फिल करते हैं, जिसका पासवर्ड नहीं पता फॉरगेट कर सकता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मैं फिल कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे फिल करूँगा मैं, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद हम जन्मतिथि डी ओ भी डालेंगे, अपना पासवर्ड भी डालेंगे और एक कैप्चा फिट कर देंगे। कैप्चा फिट कर देंगे और कैप्चा फिट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। कैप्चा फिट करने के बाद सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया है। और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो तुम्हारा ये जो ग्रीन कलर की जो आवेदन पत्र की स्थिति दिखाई दे रहा है यहाँ पे एकदम क्लियर से, यहाँ देख सकते हैं एकदम जूम कर दिया मैंने, ये दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ जैसे क्लिक करूँगा तो जैसे आप तैसे ये से पूरा ये जो आप ऑथेंटिक देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है 11 फरवरी 2021 में आज ही के दिन मैंने स्टेटस दिखाऊं, आपको पूरा क्लियर दिखाऊं, दिखाता हूं ये चीज़ क्या है। ये तीन चीज़ जो समझ नहीं पाते हैं, यहाँ से आपका अथेंटिक दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हुआ है 22/12/2020 को, फाइनल सबमिट हुआ, स्टेटस ये मेन चीज़ आप दिखाते हैं। मेन चीज़ जो है समझ नहीं पाते जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, जो अप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड बाई इंस्टीट्यूट फॉर बट नॉट टेकन एनी एक्शन। ठीक है, ये चीज़ दिखा हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया गया हमारे पर। वेरीफाइड बाई डिस्ट्रिक्ट अभी नहीं है, अभी शो नहीं कर रहा है। जब शो कर देगा तो जान लीजिए आपका स्कॉलरशिप आ गया। ये कंप्लीट है, अच्छा है। किसी किसी में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि किसी किसी में जो है 75% परसेंटेज शॉर्ट हैं और किसी के में जो आय का जो है वो उसके नॉट मैचेज दिखा रहा है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप जैसा करेंगे वहाँ पर वैसा शो कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका जिस तरह हम दिखा रहे हैं इस तरह अगर शो कर रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वेबसाइट है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट स्टेटस देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वही बात है, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको पल पल की नोटिफिकेशन भी देती रहेंगे मेरा फाइव स्टार फाउंडेशन, और इसका टेलीग्राम चैनल भी है, जरा उसको भी अगर सब्सक्राइब कर लो तो और अच्छी बात है। टेलीग्राम चैनल पर आपको डायरेक्ट पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, और आप अगर टेलीग्राम पर जो है डिस्क्रिप्शन चैनल भी है, और आपको यूपी बीएड की भी स्पेशल तैयारी कराई जाती है तो ये आप सोचिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम आने वाला है। तो मेरे चैनल को अगर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो और अच्छी आपकी सुविधा है, आप जैसा सोचें। धन्यवाद।